नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी 17 मई 2020 का करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 10 करंट अफेयर। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस मंत्रालय ने समर्थ ERP विकसित किया है? SAMARTH स्मार्ट ERP विकसित किया है, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो HRD मंत्रालय है उसने विकसित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने इसको विकसित किया है। ERP जो समर्थ ERP का मतलब है इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग, तो इसको जो है राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है HRD मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DTIS के लॉन्च को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री ने जो DTIS को मंजूरी दी है उसमें T का जो है क्या मतलब है, तो DTIS देखिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, तो T का मतलब टेस्टिंग है, ठीक है। बी राइट आंसर होगा टेस्टिंग, ठीक है, DTIS समझ गए। इसके अंदर 400 करोड़ रुपए का विनियोग किया जाएगा और 5 साल के लिए ये योजना चलेगी, तो इसको मंजूरी दे दी गई है। टी का मतलब है टेस्टिंग, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह भारत को वेंटिलेटर दान करेंगे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो भारत को वेंटिलेटर दान करेंगे। भारत ने COVID-19 से जो टेबलेट थी हाइड्रोक्लोरिन वाली, वो उनको दी थी, और अभी अमेरिका ने जो भारत को वेंटिलेटर दान करने के लिए कहा गया है, और अमेरिका ने यह भी कहा है कि 2020 के अंत तक हमें जो है जो COVID-19 के लिए कोरोना के लिए जो है मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ है वो हम तैयार कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सिक्किम राज्य ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है 16 मई को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को, ठीक है। सिक्किम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग हैं और गंगा प्रसाद वहाँ पे राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो लाइट का क्या महत्व है ये चीज़ दर्शाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, तो ये 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो गोल कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ए राइट होगा। तो गोइंग ऑनलाइन एज जो लीडरशिप, गोल का मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडरशिप, ये जो है फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर आदिवासियों को जो है उनकी छुपी हुई जितनी भी जो भी चीज़ें हैं उनको शिक्षित करना, उनकी क्या इच्छाएं हैं वो सारी चीज़ें उजागर करने के लिए इस चीज़ को जो है लॉन्च किया गया है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस की हम बात करें तो ये भी 16 मई को मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर, तो ये दिल्ली पुलिस ने जो है लॉन्च किया है, ठीक है। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर किसने लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने। तो ये एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो COVID-19 के अंदर जो फ्रंटियर वॉरियर्स हैं उनको निगरानी के लिए, उन चीज़ों पर पूरी तरीके से ध्यान रखने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया, वह कौन थे? तो देवेश रॉय एक लेखक थे, 5 दशकों से वो लिखते आ रहे थे और बंगाली लेखक थे। तीस्ता पारेर ब्रिंटोनेंता जो एक के लिए उनको साहित्य अकादमी, उनका जो एक उपन्यास था तीस्ता पारेर ब्रिटांतो, तो उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, बंगाली लेखक थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसने MIRASD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो ये IIT गांधीनगर ने विकसित किया है, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा देश यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बना है? स्लोवी